अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। आज हमारा टॉपिक है वेब 2.0। वेब 2.0 जो है वो आल्सो रेफर टू एज अ पार्टिसिपेटरी एंड सोशल वेब, रेफर टू डिफरेंट वेबसाइट, एम्फसाइज यूजर जनरेटेड कंटेंट, इज टू यूज पार्टिसिपेटरी कल्चर एंड इंटरऑपरेबिलिटी, मतलब कि कंपैटिबल है विद अदर प्रोडक्ट सिस्टम एंड डिवाइसेस और फॉर एंड यूजर्स। मतलब कि जो भी आपकी सोशल वेबसाइट्स हैं वो जो होती है वो वेब 2.0 होती है। और ये जो है ना, इस बंदे ने डिस्कवर की थी 1999 में। और वेब 2.0 जो है, जो इसकी ट्रांजिशन है लाइक आगे नो, मतलब इसके ऊपर कोई प्रिसाइज नहीं है, कोई डिज़ाइन जो है वो भी ये नहीं है कि यही रखना है। हर कोई बंदा जो है वो डिफरेंट फ्रेमवर्क स्पेसिफाई कर लेता है और वो उसके अकॉर्डिंग जो है उसको मेंटेन कर लेता है। वेब 2.0 है वो क्या अलाउ करती है, वो यूज़र को अलाउ करती है इंटरेक्ट एंड कोलेबोरेट विद ईच अदर थ्रू सोशल मीडिया डायलॉग्स एंड क्रिएटर यूजर एंडिंग कंटेंट इन अ वर्चुअल कम्युनिटी। भाई आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, आपने देखा ही है वो किस तरीके से आपको लिंक्स, टैगिंग्स, ब्लॉगिंग्स, विकीज, पीडिया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी की सारी वेब 2.0 के अंदर ही आती हैं। ये देखिए एग्जांपल है 2.0 टैगिंग कीवर्ड्स ऑन वेबसाइट्स एंड लिंक्स, वीडियो शेयरिंग साइट्स, यूट्यूब होस्टेड सर्विसेज, वेब एप्लीकेशंस, ऐप कोलैबोरेटिव कंजम्पशन प्लेटफॉर्म एंड मैशअप एप्लीकेशन, की सारी की सारी चीज़ें आपकी वेब 2.0 में आती हैं जो कि यूज़र को एक इंटरेक्टिव बैकग्राउंड प्रोवाइड करती हैं। और आप वहाँ पर अपनी प्रोफाइल्स बनाते हैं और फिर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, लिंक शेयर करते हैं, ब्लॉगिंग वगैरह ETC सारा काम करते हैं। फिर इसके बाद ऑन दी अदर हैंड जो एक्स्ट्रा कोलैबोरेटिव वर्जन आया ऑन दी, इसका ओरिजिनल पर्पज़ तो यही है ना कि वेब के ऊपर कोलैबोरेटिव मीडियम क्रिएट किया जाए। तो फिर दूसरी साइड पे एक टर्म आई सिमेंटिक वेबसाइट, ठीक है, सिमेंटिक वेबसाइट सम टाइम रेफर टू एज वेब 3.0 वाज कॉइंड बाय द बर्नर्स ली टू रेफर अ वेब ऑफ कंटेंट वेयर द मीनिंग कैन बी प्रोसेस्ड बाय मशीन्स। मतलब कि ये टोटली आपकी मशीन की लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करने के लिए बनाई गई कि मशीन जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर रहे वो आपकी होती है सिमेंटिक वेबसाइट वेब 3.0। वेब 2.0 कैन बी डिस्क्राइब्ड इन 3 पार्ट्स। भाई इसके 3 पार्ट्स हैं, वेब 3.0 के 3 पार्ट्स हैं। ये देखें इसके 3 पार्ट्स ये वाले हैं, रिच इंटरनेट एप्लीकेशन, वेब ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, सोशल वेब। अब ये क्या चीज़ें होती हैं, रिच इंटरनेट एप्लीकेशन ये है कि ये एक्सपीरियंस जो है उसको डिफ़ाइन करती है जो कि आप अपने ब्राउज़र, जो डेस्कटॉप ब्राउज़र है उसको यूज़ कर रहे हैं, अच्छे वाले ग्राफिक्स पॉइंट जो है वो प्रोवाइड करती है, यूज़बिलिटी, इंटरएक्टिविटी और भी फीचर जो है वो उसका व्यू कैसा होना चाहिए वो भी प्रोवाइड करती है। वेब ओरिएंटेड आर्किटेक्चर क्या चीज़ होती है, VWOA, ये आपकी एप्लीकेशन जो होती है उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सपोज करती है, लाइक उसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर सारा का सारा काम होता है, उसकी फंक्शनैलिटी को जोड़ना। लाइक इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है फीड्स, RSS फीड, वेब सर्विसेज मैशअप। अब ये फीड क्या है, फीड जो होता है आप जो इसमें फीड मेंशन है, आप फीड ओ जो है ओफन कॉल्ड RSS। RSS एक ऐसी एक स्ट्रीम होती है, एक ऐसा पोस्ट होती है, ऐसी कमेंट्स होती है जो कि अपलोड की जाती है जब एक न्यू कंटेंट जो है वो पब्लिश किया जाता है। इसका URL होता है, इसका URL जो है वो मेंशन करते हैं ऐसे, ये आपके URL होता है ना उसमें फीड लिखते हैं, तो ये जो है ना फीड आपको सारे के सारे उसका कंटेंट, उसके कमेंट्स, ETC सारा को शो करवा देता है। इसी तरह RSS होता है, ये क्या होता है, एक्सेस करता है, अपडेट्स करता है वेबसाइट को इन अ स्टैंडर्डाइज कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट। मतलब कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में RSS ने उसको कन्वर्ट करना होता है जो भी आपकी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद सोशल वेब, सोशल वेब का तो आपको पता ही है 2.0 वेबसाइट टेंड टू इंटरेक्ट विद द एंड यूज़र एंड मेक दी एंड यूज़र एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ अ वेबसाइट। प्रोफाइल, एडिटिंग कमेंट्स, कंटेंट्स, अपलोडिंग न्यू कंटेंट्स, यूज़र जनरेटेड कंटेंट, पर्सनल डिजिटल फोटोज़, ETC, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी आती हैं सोशल वेब के अंदर। जो सोशल वेब है 2.0 है, ये आपकी सारी क्लाइंट टू क्लाइंट सर्वर साइट सॉफ्टवेयर को जो आपस में करती है कंबाइन, ठीक है जी।
इसमें कंटेंट सिंडिकेशन आ रहा है। सिंडिकेशन जो है वो एक सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप होता है, कंपनीज होती है जो कि इस फॉर्म में काम करती है कि आप कुछ एक बिज़नेस है, एक स्पेसिफिक बिज़नेस है, उसको प्रमोट करने के लिए, उसकी शेयर्ड करने के लिए, ठीक है, उसमें एक इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करते हैं। मतलब कि डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं। स्टैंडर्ड ओरिएंटेड वेब जो है वो प्लगइन्स लाइक प्लग एंड प्ले सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन लगा दी तो यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है। आपने फेसबुक को बड़े अच्छे से देखा हुआ है कि वो कैसे प्लगइन्स वगैरह के साथ काम करता है, प्लगइन्स एंड प्ले, आप कोई भी क्लिक करते हैं तो वो कितने मतलब पॉप अप, ये वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो ये सारे के सारे इसकी रिजम्पशन के अंदर आते हैं। वेब 1.0 थी वो इतनी इंट्रैक्टिव नहीं थी, तो इसलिए वेब 2.0 जो है वो सोशल मीडिया के कंसेप्ट जनरेट करती है। अब इसके फीचर्स आते हैं। वेब 2.0 के फीचर्स हैं जो कि एंड्रयू एमसीएफी ने डिस्कवर किए थे। स्लेट्स उसने इसको नाम दिया है। स्लेट्स मतलब कि पहली क्या चीज़ है, सर्च, फाइंडिंग इंफॉर्मेशन थ्रू कीवर्ड सर्च। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, लिंक्स टू अदर वेबसाइट, मतलब कि अपनी वेबसाइट को दूसरों के साथ, मॉडल के साथ सोर्सेज जो है वो कलेक्ट करना, मॉडल्स क्रिएट करना। ऑथरिंग क्या चीज़ होती है, ये एक जो एबिलिटी है क्रिएट करने की, अपडेट करने की, जो भी कोलैबोरेटिव वर्क है ऑफ माय ऑथर्स, मतलब कि अपने ही जो वर्क है, विकी यूज़र में एक्सटेंड अंडू रीडू एंड एडिट ईच अदर वर्क, कमेंट सिस्टम अलाउड रीडर्स टू कंट्रीब्यूट देयर व्यू पॉइंट्स, मतलब कि अपनी ही वेबसाइट के अंदर दूसरों के लिंक्स भी जनरेट करता है कि दूसरे क्या ऑथरिंग इसके बारे में प्रोवाइड करते हैं। टैग्स, भाई टैग्स, आप कोई भी कीवर्ड लिखते हैं वो टैग होता है, जो भी एक स्पेसिफाई कर दें कि भाई मैंने इस वर्ड के साथ ही मैं चाहता हूँ यूज़र सर्च करें। और ये टैग्स होते हैं ना, ये बड़े ध्यान से लगाने पड़ते हैं। तो ये वन वर्ड और टू वर्ड डिस्क्रिप्शन होती है, शॉर्ट वर्ड्स होते हैं, ये टैग्स ही आपके एक्चुअली स्पेसिफिकेशंस करते हैं कि यूज़र, दुनिया में यूज़र जो है वो किस किस तरह सोच के वर्ड सर्च करता है इंटरनेट के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अ यूज़र कैन टैग अ मेटल सॉन्ग एज डेथ मेटल, ठीक है। कलेक्शन ऑफ टैग्स ऑफ मैनी यूज़र विद इन अ सिंगल सिस्टम मे बी रेफर्ड एज अ फोक सोनोमीज, मतलब ये होता है फोक्स टैक्सोनोमीज। तो ये है कि आप टैग्स कैसे प्रोवाइड करते हैं, यूज़र ने इंटरनेट के ऊपर कैसे सर्चेज की हुई हैं, आप पहले उसको देखते हैं। तो ये टैगिंग का सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपकी वेबसाइट प्रमोट होती है, टॉप लेवल के ऊपर आती है। एक्सटेंशंस होती हैं। एक्सटेंशन हम किस लिए लगाते हैं, जब हमारी चीज़ की कोई कमी होती है तो हम उसमें एक्स्ट्रा चीज़ के मॉड्यूल्स रखते हैं ऐड करने के लिए, ना। तो ये सर्वर है आपके प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। एग्जांपल ये है कि अडोब रीडर, अडोब फ्लैश, माइक्रोसॉफ्ट सिल्वर लाइट एक्स, एक्टिव एक्स, मतलब ये सारी के सारे जो हैं वो एक्सटेंशंस के सॉफ्टवेयर हैं जो आपको एक्सटेंशंस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद सिग्नल्स की बात करते हैं। सिग्नल्स क्या चीज़ हैं, सिग्नल्स इंडिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये मैंने सिंडिकेशन के बारे में बता दिया, यही चीज़ बताई थी कि सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप होती है, कंपनीज होती हैं जो कि अपने ही बिजनेस को प्रमोट करने के लिए उसमें इंटरेस्ट जनरेट करती हैं। सच एज RSS फीड टू नोटिफाई यूज़र ऑफ कंटेंट चेंजेस, जैसे जैसे आपके कंटेंट चेंजेस होते हैं तो RSS की फीड्स भी नोटिफाई होती रहती हैं, ठीक है। वाइल्ड स्लेट फॉर्म ऑफ बेसिक फ्रेमवर्क एंटरप्राइज 2.0, इट डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट ऑल ऑफ हाई लेवल वेब 2.0 पैटर्न्स एंड बिजनेस मॉडल। ये ना सिर्फ इसके ऊपर ही डिपेंड करती है बल्कि ये हमारी जो सेल्फ सर्विसेज होती हैं IT की, उसके ऊपर भी डिपेंड करती हैं, एंटरप्राइज लेवल के ऊपर भी डिमांड की जाती है। वेब 2.0 का इरा है, आपको पता है, सोशल मीडियाज़ का ही ट्रेंड है, तो इसके बगैर अब गुजारा नहीं, तो इसलिए इसको कंबाइन करके स्लेट्स कहा जाता है। और ये आपकी SEO का भी बेहतरीन पार्ट है, ठीक है। टैगिंग होगी, एक्सटेंशंस होगी, सिग्नल्स होगी, ये सारी की चीज़ें, सर्च हो गया, आपने ऑथरिंग करनी है, लिंक्स करनी है अपनी वेबसाइट को, तो ये सारी की SEO का भी पार्ट है। जो बच्चे ने उस दिन क्वेश्चन किया था कि मैम ये चीज़ें बताएं, तो ये आपका पार्ट है उसी चीज़ में कि आपने अपनी वेबसाइट को कैसे प्रमोट करना है, और आपकी सोशल मीडिया को हम क्या कहते हैं, वेब 2.0 कहा जाता है। तो ये सारी की सारी एक्सेसिबिलिटी, कम्प्लीटनेस, क्रेडिबिलिटी इम्प्रूवमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपकी वेब 2.0 ने प्रोवाइड की हैं। इसका यूजेज क्या है, आपको भी पता है कि वेब 2.0 इज़ द सोशल वेब, तो सोशल वेब
आपको पता है नंबर ऑफ़ टूल्स और प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है। इतने सारे लोग हैं जो इसके साथ अटैच होते हैं, अपने थॉट शेयर करते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। 2.0 एप्लीकेशन जो है वो इंटरेक्ट करती है अदर यूज़र के साथ में। अब इतने फेसबुक के ऊपर इतने यूज़र्स होते हैं, हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें ना सिर्फ एक यूज़र होता है बल्कि बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है। लाइक जैसे से पॉडकास्टिंग होती है, आपकी डिजिटल रिकॉर्डिंग जो कि ब्रॉडकास्ट की जाती है, जो अवेलेबल होती है फॉर डाउनलोडिंग के, मतलब कि मैंने कोई चीज़ डाउनलोड करनी है, कोई ऑडियो डाउनलोड करनी है, तो वो डिजिटल रिकॉर्डिंग जो है वो होती है पॉडकास्टिंग। ब्लॉगिंग का आप लोगों को पता ही है, ब्लॉगिंग होती है कि किसी चीज़ के बारे में अपना ही एक पेज बना लेना, एक ब्लॉग बना लेना और उसी चीज़ से रेलिवेंट। लाइक मैंने फ़िटनेस का पेज बनाया तो मैं उस पर फ़िटनेस से रिलेटेड ही सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। टैगिंग होता है कि मैंने स्पेसिफिक एक टैग दे दिया, एक पॉइंट दे दिया है, एक वर्ड लिख दिया है या एक पिक्चर दे दी है, मैं उसके ऊपर टैग कर रही हूँ, पिक्चर का एक पार्ट है उसके ऊपर टैग कर रही हूँ, तो वो इस तरह जो है ना आप फेमस हो सकते हैं, और फेमस भी हो सकते हैं, दूसरा आपकी टॉप लेवल के ऊपर भी सर्च आ सकती है। क्यूरेटिंग विद RSS क्यूरेटिंग, ठीक है जी। क्यूरेटिंग जो है यहाँ पे, क्यूरेटिंग का मतलब है कि ईजीली जो है वो चीज़ अंडरस्टैंडेबल हो हर किसी के लिए, मल्टीपल लैंग्वेजेस जो हैं वो हर किसी के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए हम जो यूज़ करते हैं। और RSS का मैंने बता दिया कि ये फीड्स होता है, इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, अपडेशन होती है, सोशल बुकमार्किंग होती है, सोशल मीडिया होती है, विकीज होते हैं, वेब कंटेंट्स, वोटिंग होती है, रिव्यू साइट्स और रेटिंग, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें ही आती हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं Web 3.0 की। हाँ जी, Web 3.0 जो है वो सिमेंटिक वेबसाइट होती है, और आपको सिमेंटिक का मैंने बता दिया है, ये एक ऐसी चीज़ है जो डायरेक्टली रीडेबल होती है, फॉर्मेट होता है जो आपका कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। इसके बगैर आप जो है वो वेबसाइट्स नहीं बना सकते। जो ये वेबसाइट है आपकी, वो डायरेक्टली रीडेबल होती है, आपको लैंग्वेजेस प्रोवाइड करती है, आपका कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम है Web 3.0 जो है वो सिमेंटिक वेबसाइट होती है, और 3.0 को सिमेंटिक वेबसाइट कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो डिफरेंट वैराइटीज़ होती हैं, लाइक मूवमेंट वे आप सर्च सोशल मीडिया एप्लीकेशंस एंड डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन टू अ फंक्शन, भी जो आपका सोशल है 2.0 है वो अब सिमेंटिक वेबसाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। अब जब गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो वो सिमेंटिक वेब होती है, और जो Web 2.0 वो तो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं। तो ये जो है ना वेब, इस बंदे ने डिस्कवर की थी 3.0 कॉन्सेप्ट अर्ली इन 2019 इन अ पार्टिकुलर, ठीक है। ये जी Berners-Lee ने की थी, इसका ये आइडिया था कि अट्रैक्ट किया जाए एक ऐसा आइडिया जो वॉलंटियर हो डेवलपर्स के लिए एडवांस लेवल का, ठीक है। ये WWW रिवोल्यूशनाइज इंफॉर्मेशन, Web 2 रिवोल्यूशनाइज इंट्रैक्शन, मतलब इसने इन्हांस किया था कि 2.0 जो है उसको हम किसके ऊपर चलाएं, तो वो है भी सिमेंटिक वेबसाइट्स के ऊपर, ठीक है। तो एक्सचेंज करते हैं हम इंटरनेट के ऊपर हर चीज़, बैक एंड ऑफ इंटरनेट इंक्लूडिंग आल्सो ऑन द Web 3.0। तो इन यहाँ पे जो हम मतलब कि ब्रोकर है, ये बैकबोन है आपकी वेब की, आपकी WWW को ही हम सिमेंटिक वेबसाइट कहते हैं, जो कि आप जो यूज़र को और कंप्यूटर को लैंग्वेजेस अंडरस्टैंड करवाती है। हमें तो पता ही है हमारी लैंग्वेजेस क्या है, कंप्यूटर को कैसे समझ आएगी। तो ये इस पर्पज़ के लिए जो था, हर तरह की लेवल की लैंग्वेजेस जो हैं रीडेबल बनाने के लिए, हम जो ये आइडिया डिस्कवर हुआ उसको हम कहते हैं Web 3.0। ऑफ सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स कॉपीज़ इंटरनेट के ऊपर जितना भी काम हो रहा है, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज क्लाइंट सर्वर, तो ये सारा का सारा जो है वो आपकी Web 3.0 के साथ ही अटैच है। लाइक ये देखें, क्लाइंट एंड सर्वर इंटरनेट, सर्वर ये है, ये इंटरनेट है, ये क्लाइंट्स है। मतलब कि सर्वर मेन है, इंटरनेट सेंटर में है, क्लाइंट्स ये लगे हुए हैं, क्लाइंट्स ने रिक्वेस्ट इंटरनेट के ज़रिए भेजी, इंटरनेट ने बैक सर्वर से कनेक्ट किया। तो ये 3.0 का कॉन्सेप्ट है कि ये बैक है, इसकी बैकबोन है, इसने वापस रिप्लाई दिया इंटरनेट के ऊपर और फौरन से हमें रिप्लाई आ जाता है, हमें लगता है कि बट बहुत आसानी से आता है। तो ये इसके लिए सारे के सारे
प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, TCP/IP, पीयर टू पीयर, जो वेब टू का मैंने बता दिया, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड, पीयर टू पीयर सेटलमेंट लेयर, मतलब कि आपका OSI मॉडल इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ये तो था सर्वर और क्लाइंट मॉडल। सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है? सेंट्रलाइज में ना एक मेन होता है सर्वर और बाकी सारे उसके साथ कनेक्ट होते हैं। लेट्स सपोज करें अगर यूनिक पॉइंट फेलियर हो जाए तो सारा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो डिसेंट्रलाइज्ड बनाया गया एडवांस लेवल का कि इसमें हर कोई जो है अपना खुद मुख्तार है। अगर एक होगा तो दूसरे की कम्युनिकेशन स्टॉप नहीं होगी। नो यूनिक पॉइंट ऑफ फेलियर, मोर सिक्योर। ये इतना सिक्योर नहीं है, ये सिक्योर है। तो डिसेंट्रलाइज इज बेस्ट। मतलब कि ये देखिए इसमें ये चीज़ यही बताई गई है कि ब्लॉकचेन बिटकॉइन जो है ब्लॉकचेनिंग। अच्छा, ये बिटकॉइन जो है ना आपकी आजकल लेटेस्ट चल रहा है कि ब्लॉकचेनिंग में बहुत एडवांस लेवल पे इसके ऊपर काम किया जा रहा है। क्यों ना बिटकॉइन का ही अब ट्रेंड हो कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो डायरेक्ट, जो बिटकॉइन के ज़रिए एक कॉइन है उसके ज़रिए ही सारी की सारी ट्रांजेक्शन हो, सारी की सारी चीज़ें खरीदी जाएँ, बाय की जाएँ, मतलब कि पैसों का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया जाए। तो अभी भी हमारे पाकिस्तान में ये बिटकॉइन को अभी अच्छा नहीं समझा जाता, इसका कॉन्सेप्ट ख़राब ही समझा जाता है कि इसमें थ्रेट्स हैं, इसमें इश्यूज हैं। तो ये अभी सेंट्रलाइज सिस्टम है, इसलिए अगर डिसेंट्रलाइज हो तो फिर इश्यूज कम हो। लेकिन होप्स हो कि बिटकॉइन जो है ब्लॉकचेनिंग प्रोटोकॉल यूज़ किया जाएगा वेब 3 के साथ आपकी ट्रांजेक्शन के लिए, आपकी फुली सिक्योर जो है कम्युनिकेशन करने के लिए, आपके बैंक की इंफॉर्मेशन, आपने बैंक में ट्रांसफ़र करना है, निकालने हैं या शॉपिंग करनी है, टोटली ऑनलाइन सिस्टम जो है वो हो जाएगा। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज का लेक्चर बस यहीं तक ही था। अल्लाह हाफिज़।